वो भी याद रखिएगा जरा, वो कैसा वो टाइम में प्रॉब्लम होता है। लास्ट टाइम भी या सेकंड लास्ट टाइम भी मैंने देखा, एक दो जन ने गेस करके डाल दिया, उनसे सर्टिफिकेट मांगे थे, फिर वो एडिटिंग में लग जाते थे। तो गलत क्यों करें, पहले से बेहतर है कि नॉलेज रखो आप उसको। स्कूल एंड कॉलेज, अगर कॉलेज में जा रहे तो कॉलेज का डिटेल भी आप याद रखो उनका, कॉलेज का नाम, कौन से सिटी से किया वो, प्लस ईयर भी याद रखो, कौन से साल में उन्होंने किया है वो भी याद रखिए। अगर उनके पास मार्कशीट होगा तो उससे आपको पता चल जाएगा। जॉब डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या जॉब करते हैं वो अच्छे से याद रखो आप लोग, खास करके लेडीज आप लोग आके फॉर्म भरने के लिए, आपको पता नहीं रहता है उनको ऑफिस का एड्रेस भी, शॉर्ट में पूरा नहीं फिर भी शॉर्ट डिटेल तो रखो। उसके बाद है कंपनी, बिजनेस का नाम, डिजिग्नेशन, वो कौन से पोस्ट पे है वो भी आप याद रखिए। आप जॉब घर पे खर्चे करते हैं, जैसे घर पे दुकान वुकान है वो भी चलेगा, तो वो भी आप याद रखो। ओनर है तो ओनर डालो, मालिक हो तो आप मालिक डाल दीजिए, या जो भी है वो रखिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एनुअल इनकम, ये जो है वही डालिए। इसमें बहुत से पेरेंट्स कैसा सोचते हैं ना कि मैं ज़्यादा दिखा दूंगा तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, मैं कम दिखा दूंगा तो नहीं होगा, स्कूल वाले नहीं देंगे, इसकी कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। वो पूरा आप लग बाई चांस पे ले सकते हो कि बच्चे का लक है तो ले लिया, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस में कुछ भी नहीं देखते कि ये बच्चे को मैं जानता हूँ ये अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आपका जनरल है वही आप दिखाओ वहाँ पे, एक्स्ट्रा दिखाने का जरूरत ही नहीं है सब, क्योंकि देखा है मैंने जो भाड़े पे रहते थे उनका भी एडमिशन हुआ है, 10,000 रुपये पगड़ा दिखाया उनका भी एडमिशन हुआ है। उन्होंने कुछ दिया नहीं डॉक्यूमेंट या कुछ, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ बात किया रहेगा, पेरेंट्स आते हैं उनसे पूछते आपने कुछ दिया था क्या पैसा, कुछ नहीं ऐसा है। वो सिलेक्शन में होता है, बच्चे के थोड़ा इंटरव्यू पे भी फर्क पड़ता है, बहुत बार तो ऐसा भी होता है बच्चा बोलता नहीं तो भी हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो बच्चे पे प्रेशर भी नहीं दीजिएगा कि उधर, और वो लोग ना बहुत इतना मैंने देखा है लास्ट टाइम इंटरव्यू में, बच्चों को बकायदे लोग चॉकलेट दे तक देकर भी बात करवाते हैं, कभी कभी बच्चे कैसा हो जाते सब आते हैं तो भी उधर पर नहीं बोल पाते, तो ब्लेम नहीं करिए कि बच्चे को आया ही नहीं, थोड़ा सा कैसे प्रेशराइज हो जाते हैं लोग भी नए लोगों को देखकर। लास्ट टाइम इनको पेरेंट्स को देखा तो बाहर आकर उसको मारने लगे थे, क्यों नहीं बोला अंदर, ऐसा भी होता है।